अस्सलाम वालेकुम जी, आज मिनहाज यूनिवर्सिटी में एच ई सी ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। ये टीमें तमाम टीमें रेडी हैं। ये देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर तक मार्च होगा, आज ओपनिंग सेरेमनी है इसकी। ये दो दिन के कम्पटिशन होंगे। ये देखिए मिनहाज यूनिवर्सिटी की टीम सबसे पहले नंबर में खड़ी है, उसके बाद दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान से आई हैं वो ये देखें सारी खड़ी है। अभी ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने लगी है। Of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Taking lessons. सबसे पहले सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची से जो आई है और स्पिरिट यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होगा। ये देखें जी हमारे साथ स्पिरिट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? तैयारी पूरी है इंशाल्लाह, उम्मीद है जीतेंगे जी। भाई आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, बाकी देखते हैं क्या नसीब में। सर सैयद यूनिवर्सिटी की जो टग ऑफ वॉर की टीम है उसके हवाले से लगता है कि टफ कंपटीशन होगा? लगता तो है, क्योंकि माशाल्लाह से सिंध में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया टीम ने। अच्छा। और उसके अलावा भी अभी हमारे चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खेला कराची 23 गेम्स के अंदर। इंशाल्लाह कोशिश कर। ये देखें जी दोनों जो टीमें हैं वो मुकाबले के लिए तैयार है। जी यहाँ पे UMT और सरगोधा यूनिवर्सिटी का बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपटीशन चला है। सरगोधा वाले विन कर लिया, जिंदाबाद जी। आगे क्या लगता है भाई आपको? सर मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक जितना भी कंट्रीब्यूट करने का मौका देगा उतना करेंगे। हमसे कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे। जीसी और आईयूबी का मैच चल रहा था, ये देखें जो जीसी वाले हैं वो क्विट कर चुके हैं मैच से और आईयूबी वाले जीत गए जी। पंजाब यूनिवर्सिटी और मिनहाज यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होने जा रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी विन कर चुकी है। जी जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लव यू सर। और सुनाए टीम के हवाले से क्या कहेंगे अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, अल्लाह इस फल दे बस मेहनत का। मैं सिम भाई, अब कौन सा कंपटीशन होने जा रहा है? अब यूनिवर्सिटी ऑफ आईयूबी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मैच होने जा रहा है। आज के मैच तो बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटेटिव रह चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और अब इस मैच का देखते हैं कि इस मैच में कौन हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लेके जाती है या आईयूबी यूनिवर्सिटी। आईयूबी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कंपटीशन हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने विन किया। जी भाई यार ये हमारी ना गोल की मेहनत थी जो हमने की है, इंशाल्लाह गोल डाल देंगे। इट्स अ डू या आई एम ऑलवेज ऑन द मूव इफ यू गेट इन माय वे यू कैन सो वन एंड टू गॉट अ क्लियर व्यू पेनहाउस विजन मूड टू द टॉप। पहले और गैरिसन यूनिवर्सिटी भी फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। जी भाई क्या लगता अपनी टीम के हवाले से क्या कहेंगे? जी भाई आप भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीम के बारे में यार काफ़ी अच्छी एफर्ट की है उन्होंने, यार उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और कोई भी रिजल्ट आता है उसके बाद मेहनत के बेस पे होता है, क्योंकि जितनी आप एफर्ट करोगे ना उसके बाद रिजल्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली बाकी सारी टीमों ने भी मेहनत की है, लेकिन जो बेस्ट प्लेयर होता है वो ऑलवेज के बेस्ट होता है। Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way. यहाँ पे यूसीबी ने सेमीफाइनल विन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस जोर और शोर के साथ हमने सेमीफाइनल विन किया इसी जोर और शोर से हम इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से यूसीबी जिंदाबाद। अब जी फाइनल के अंदर जो टीम पहुंची हुई है वो यूसीपी की पहुंची है और दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने सेमीफाइनल जीता है और ये फाइनल में पहुंचे हैं। और इसके साथ ही लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी इसकी भी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, कल इसका फाइनल होगा, कल आपको दिखाएंगे इसके फाइनल मैच। आज टग ऑफ वॉर चैम्पियनशिप का सेकेंड डे है और आज लोकेशन चेंज की है तो अभी चलते हैं उधर ही।
बारिश की वजह से लोकेशन चेंज कर दी गई है, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे ग्राउंड में। I'll teach you how to do it one day when my story's told. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. जी फाइनली लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी फाइनल भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? बड़ा अच्छा, बड़ा वेल परफॉर्म किया आपकी टीम ने इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। मलक मुमताज़ साहब की क़यादत में, वो हमारे कोच हैं और पाकिस्तान रेलवे के कोच भी हैं। मैं नहीं मानता उनसे कोई अच्छा कोच पाकिस्तान में मौजूद हो। और गैरिसन यूनिवर्सिटी की टीम है जिन्होंने फाइनल विन किया है, और इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा भाई, आपने देखा जबरदस्त, ये सारा हमारी मेहनतों का नतीजा है। पिछले दो महीने से हम ट्रेनिंग में थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका अजर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं ऐसे इंटर यूनिवर्सिटी होती रहे, टग ऑफ वार की आगाही होती रहे लोगों को। तो इस तरह की जो चैंपियनशिप है मिन्हाज यूनिवर्सिटी में जो हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा स्टेप है स्पोर्ट्स के लिए, और मिन्हाज ने इसको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। हम यही चाहते हैं इससे आगे और अच्छा बेहतर मिन्हाज करे और स्पोर्ट्स की आगाही करे, अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए और उसमें क्या नाम लेते हैं कंपटीशन डिफरेंट, और हर यूनिवर्सिटी को दावत दे और यहाँ पे कंपटीशन होते रहें और टीमें बनती रहे, टैलेंट आता रहे। मिन्हाज यूनिवर्सिटी ने 16वीं HEC टाटा अवार्ड चैम्पियनशिप को होस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। मौसम भी कुछ बदला हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात के अंदर इवेंट हो गया हमारा सक्सेसफुल। ये हमारे लिए भी आज़ाद की बात है, और जितनी भी टीमें यहाँ पे शामिल हुई हैं उन्होंने हमारे इवेंट को, हमारी तैयारियों को और मेज़बानी को बड़ा सराहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और आज़ाद की बात है। इसके साथ साथ जो HEC की जो टग ऑफ वार टीम बनी है, जो अभी परसों की जो होने वाली नेशनल चैम्पियनशिप में शिरकत कर रही है, और उसका टीम मैनेजर मैं हूँ। मिन्हाज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर उसके टीम मैनेजर हैं, और हमारे ही जो कोच हैं मिन्हाज यूनिवर्सिटी के, वही HEC के टग ऑफ वार टीम के कोच भी होंगे। और जितनी ये मजबूत टीम बनी है, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेयर्स में से हमने सिलेक्शन की है, तो हमें उम्मीद है कि नेशनल चैम्पियन भी जो है वो मिन्हाज यूनिवर्सिटी के फ्लैग के नीचे HEC की टीम हो जाएगी। थैंक यू।